जो संबंधित व्यक्ति था उसके नाम से FIR कर दिया गया है, और जो भी वहाँ के जो आयुष्मान मित्र जो मैन पावर कंपनी है उनको भी नोटिस दिया गया है कि जितने भी पुराने आयुष्मान मित्र है उनको रिप्लेस करके नए आयुष्मान मित्र वो देंगे, क्योंकि जो आयुष्मान मित्र पुराने हो गए हैं या जो कंप्यूटर ऑपरेटर पुराने हो गए हैं वो इसमें पैसा लेने की, और जो भी जिस टाइप के आ रहे हैं हमारे पास खबर आ रहे हैं तो उसी के विरुद्ध हम जो भी अनुशासनात्मक जो भी कार्रवाई करना है वो कर रहे हैं। अभी जो हाइट्स कंपनी है उसमें से 17 आयुष्मान मित्र है वो रिप्लेस होंगे, और जो MD इंडिया का है वो 7 ऑपरेटर है उनको भी रिप्लेसमेंट के लिए लेटर इशू कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज के ओर से। MD इंडिया के जो आयुष्मान मित्र है उनका जवाबदारी रहता है कि उन्हीं को ही कार्ड बनाने के लिए अथॉरिटी दिया गया था, तो कहीं ना कहीं उनका भी लापरवाही है, तो इसी कारण से उनके भी सभी आयुष्मान मित्र को भी हटाया जाए। जिला प्रशासन की ओर से अभी सख्त कार्रवाई इसके ऊपर हो रहा है। अब भी रिसेंटली ही देखे होंगे कुछ कुछ हॉस्पिटल के ऊपर भी कार्रवाई किया गया है, और जैसे इस टाइप का आ रहा है तो इसमें इस टाइप का कोई भी घोटाला में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पल पल इंडिया के न्यूज़ रिपोर्टर और जो भी मीडिया संस्था है, और मैं आग्रह भी करूँगा इस टाइप के कोई भी अगर जानकारी आप लोगों को मिलता है तो तुरंत आप जिला प्रशासन के सामने लाइए, तो उसमें सख्त से सख्त हम भी कार्रवाई करेंगे। और ये जैसे ही करके ये है कि आयुष्मान मित्र जो कार्ड के घोटाला जो करा रहे थे तो उसका जो उजागरण किए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़, हर पल आपके साथ।